देन सो यूर व्हाट्सअप गाइज के सबसे पहले होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे और आगे की डीज में भी गाइज बढ़िया रहना। तो यार आज अपन लोग भाई एक बार दोबारा से खेलने जा रहे हैं यार GTA Vice City को भी अपने PC में, और अपना वही बिजनेस पार्ट वाला अभी अपन लेके आए हैं नया पार्ट। लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा यार अपन ने अपना नया बिजनेस खोला था, वो भी गाड़ियाँ सेल आउट करने का और सेल इन करने का। तो अभी यार फिलहाल तो यार आपको पता ही होगा लास्ट एपिसोड में अपने एक गाड़ी खरीदी थी जो कि अभी इधर खड़ी है, ये रही Honda Accord Racer, और बहुत कम है यार ये बाहर से मंगाई गई थी गाड़ी। और उसके अलावा ना यार अभी मेरे पास में एक डील आई है भाई, अभी आप मेरे पैसे देख लो कुछ 3 लाख होने वाले थे उस टाइम, और अभी मैंने इधर से गाड़ी ले ली है फिलहाल तो चोरी की है, निशान की है, चलो अच्छी बात है कम से स्पीड मिलेगी। और अभी इसको ना मैं जाके फटाफट से बुलेट प्रूफ करा के, अब मैं एक सेकंड ना घर पे ले चलता हूँ, घर पे वाले मैकेनिक से करा देता हूँ बुलेट प्रूफ, फटाफट से चलते गाइस। तो गाइस वेलकम बैक, अभी यार मैं इधर गाड़ी को फुली बुलेट प्रूफ करा के आ चुका हूँ, पर ठीक है भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी एकदम बढ़िया रहती है, जिधर चलो उधर टिकाओ जिधर चलो वो करो। तो अभी यार मेरे को एक चने का वो मैंने आपको बताया था ना अभी मेरी एक मीटिंग है, तो उस मीटिंग के लिए मेरे को पता है कौन सी गाड़ी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ आर्मी की गाड़ी है एक हैमर जो कि आर्मी एरिया में ही मिलेगी। तो मैं सबसे पहले तो मैं इधर लेने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हैवी आर्मर, ताकि भाई कल को यार मेरे को ज़रूरत पड़े तो भाई मैं आर्मर तो ले सकूँ। और काफ़ी चलते यार अपन बहुत बड़े करोड़पति में तो बनने वाले हैं धीरे धीरे करके, तो वीडियो को पूरा देखना और इंजॉय करना, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। काफ़ी जल्द पे यार अपने कार शोरूम भी खरीदने वाले हैं, तो भाई यार सपोर्ट करना बस। तो भैया फटाफट से अपन चलते हैं भाई मिलिट्री एरिया और उधर पहुँचते हैं। तो गाइस अभी आर्मी एरिया में पहुँचते मस्त में मैंने काफ़ी सारा मतलब आर्मर वगैरह भी ले लिया, और ये अनलिमिटेड आर्मर समेत है, मतलब अगर ना जन्म मेरे अपने गोलियाँ छोड़ते रहेंगी ना तभी ये आर्मर केवल ब्लिंक होगा, लेकिन मेरे को डैमेज नहीं पड़ने वाला भले ही मेरे ऊपर ग्रेनेड कर लें, बस वो बात है कि बस्टेड कर ले तो मेरी वाट लग जाएगी। ठीक है तो भी यार मेरे को वो गाड़ी लेनी है भाई, बहुत ज़्यादा रेयरली गाड़ी वो मिलती है यार, तो देखते हैं भाई। ऊपर से तभी मैंने इस गाड़ी को बुलेट प्रूफ लेके आया था, तो क्योंकि मेरे को पता था अभी मेरा ये काम है तभी मैंने इसको बुलेट प्रूफ भी करा लिया था, ताकि भाई कल को यार मेरे ऊपर अगर फायरिंग करे, क्योंकि उनके पास मिलती है M4A1। आपने अगर मेरी पुरानी GTA की वीडियो देखी हुई तो मैंने उसके अंदर उनको धोया भी था एक बार एक दो बार, लेकिन ये एकदम फ्रेश है मतलब एकदम नए गेम में है। और भाई मारे भी तो नहीं ना, और भाई मारने लगे हेलो, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं इनका। अरे यार ये वाली गाड़ी है, फटाफट से ऐसे उतरते हैं, और ये तो वैसे इनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ ही होती है, चलो अच्छी बात है। भाई 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 नहीं 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 नहीं। और गाइस फाइनली मैं इधर से गाड़ी लेके निकल चुका हूँ, बढ़िया बात है यार गाड़ी लेके निकल चुके हैं। तो गाइस अभी अपन इधर से गाड़ी लेकर निकल चुके हैं और आराम से फटाफट से पहुँचते भाई जिधर मेरे को एक गाड़ी लेके जानी है, वैसे तो इसको एक एयरपोर्ट में लेके जानी है, तो एयरपोर्ट एक सेकंड इधर से उधर। हाँ मिलिट्री के पास में है, लेकिन इन्होंने मेरे को मेरी आर्मी नहीं दी, मतलब जिसके साथ में मैं ये जाके गाड़ी ले आऊँ, अकेले उन्होंने मेरे को कहा, और भाई पैसे भी बहुत ज़्यादा दिए, कम से कम 2 लाख के समथिंग समथिंग इन्होंने मेरे को पैसा दिए इस काम के लिए, तभी भाई मैं खुशी खुशी जाके भाई ये गाड़ी ले आया। तो आराम आराम से चलते धीरे धीरे ओले ओले, ये रहा गाइस एयरपोर्ट की एंट्री है, ये वैसे पार्किंग है, पार्किंग के सीधा जाके एयरपोर्ट आ जाते, तो ये रहा भाई एयरपोर्ट में आ चुके हैं। अभी इधर एक हेलीपैड है, वो हेलीपैड 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 हेलीपैड, ये रहा गाइस। ठीक है मेरे को इधर ही खड़ी करनी है। तो गाइस अभी फाइनली यार मैंने इधर जाके गाड़ी खड़ी कर दी है, अभी मेरे पास पैसे आ जाएंगे थोड़े टाइम में, जब मैं इधर से बाहर निकलूँ तभी मेरे पास में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और भाई गाड़ी हो रही, और एक सेकंड यार मैं चेक तो कर भाई गाड़ी लेके कौन जाता है। गाइस गाड़ी के ऊपर फुल्ली एम है, और ये कर दिया भाई मैंने उसका चक्का पंचर, भाई इसको पता नहीं चलेगा क्योंकि भाई एक सेकंड ना कौन है भाई ये बेहद हो गई, एक सेकंड है गाइस अभी। अरे भाई 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 भाई, हाँ चलो आर्मर तो मेरा गया लेकिन हेल्थ नहीं की, क्योंकि हेल्थ के साथ में आर्मर जुड़ा हुआ है मेरा ये वाला। हाँ भाई ये लो कट्टे से मार को, ये चेक ये भी चेक। यार मैं ना गन्स दूसरी लेके आता हूँ, मैं इनसे ऐसे करता हूँ इनसे जो भी गन्स मिलती है ना वो उठाते हैं गाइस। तो गाइस अभी मेरे पास इनसे मेरे को यार एक मस्त कट्टा मिल चुका है, और एक सेकंड ना ये गाड़ी कैसे ब्लास्ट हुई है। अच्छा ठीक है
आग बुझाने के लिए आई होगी ना, और इससे मेरे को भाई मिसाइलें भी मिली, क्योंकि यार उनका काम होता है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी करना। तभी फ़िलहाल तो भाई मैं इधर सोच रहा हूँ यार कि फटाफट से ना इधर एक पड़ा अपना वो क्या नाम उसका कार शोरूम, तो वो कार शोरूम खरीद लिया जाए। तो फटाफट से गाइस खरीदते, और यार पैसे पता नहीं कब तक आएंगे, ऐसे कभी इंतज़ार करते हैं। तो इधर गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं, फटाफट से इधर गाड़ी मंगाते हैं टिकटॉक और उसको लेकर चलते हैं। तो गाइस अभी इधर गाड़ी का बंदोबस्त कर लिया, फरारी मंगा ली मैंने इधर फुली बुलेट प्रूफ वाली, तो इसको लेके चलते भाई। आपको बताइए यार, अब तो ठीक ठाक मतलब रईस बन रहे हैं। तो यार मैंने ना एक बहुत बड़ा मेंशन लेने वाला हूँ, और वो जब मैं उस मेंशन के अंदर जाऊँगा तब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी एक सेकंड ना ये वाला लेंगे गाइस अपन, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, अभी फटाफट से गाइस इसको परचेज करते। तो गाइस अभी अपन यार बहुत टाइम से भाई इसके पीछे पड़े हुए थे, और मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ सेल आउट की हैं, और मेरे पास अभी आप पैसे देख सकते हैं यार कितने ज़्यादा हो चुके हैं। मैं इधर अभी यार आप पैसे देख सकते हो भाई, बहुत मुश्किल से इतना पैसा किया, और साथ ही साथ में गन्स अपने पास में चेंज है, मशीन गन ले ली उसके बाद मैंने, और अभी मेरे इधर से यार इनकम मिलने लगी है। मेरे पास नीचे इधर गैराज वगैरह भी हैं, और जो भी गाड़ी लानी है वो मैं इधर ला के खुद की रिपेयर करा सकता हूँ। और इधर देखते भाई कौन सी कौन सी गाड़ी खड़ी मेरे पास में, तो एक ऑल्टो खड़ी है, इधर कुछ नहीं खड़ा किया मैंने, मतलब मैं जो चाहे वो गाड़ी ले सकता हूँ इस टाइम में, इतना अमीर हो चुका हूँ। और अभी फ़िलहाल है ना मेरे को जाना है एयरपोर्ट एक गाड़ी मंगाने, ठीक है? तो फटाफट से यार चलते हैं। और भाई मैं सोच रहा हूँ ना जो मर्सिडीज़ निकाली जाए, कौन सी गाड़ी, मर्सिडीज़ बेंज लेकिन ना वो द मोस्ट लॉन्गेस्ट कार। तो फटाफट से इधर फरारी मंगाते हैं और उससे चलते हैं। तो गाइस अभी मैंने इधर गाड़ी मंगा ली, और अभी फटाफट से यार गाड़ी से बच चलते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सबसे ज़्यादा महंगा घर, सबसे ज़्यादा करोड़पति वाला घर अभी मेरे पास में। और मैं आपको दिखाता हूँ यार मेरे पास में, एक तो यार ये वाला शोरूम मैंने ख़रीद लिया है, और अभी यार मैं नेट बैंकिंग यूज़ कर सकता हूँ सबसे मेन बात, क्योंकि मैं पैसे अपने जेब के अंदर अभी मेरे पास में इतना कैश पड़ा है, नहीं तो बाकी सारा मेरे बैंक के अंदर पड़ा है, और मैं बैंक से पेमेंट करता हूँ ऑलमोस्ट। तो अभी यार मैं इधर आ चुका हूँ भाई, अभी यार आप खुद देख के भाई इधर हैरान होने वाले कौन सा घर मैंने ले लिया भाई। तो ये रहा उसका एंट्रेंस, एंट्रेंस ये रही गाइस देख रहे हो, अभी मैं इसके अंदर घुस चुका हूँ मेरे वाले घर के एंट्रेंस पे। और इधर भाई घूमते हैं, टूरिस्ट वगैरह के लिए ये सबसे बेस्ट घर है, क्योंकि सबसे महंगा घर है ये इधर का, ठीक है? तो अभी गाड़ी को तो अपन सोच रहे हैं गैराज के लेकर, इधर मेरे पास मेरे और फरारी है, फरारी है तो भाई कमी है मेरे पास में, ठीक है? तो ये तो भी भाई मेरे पास में फरारी ऑटन मरीसिंग, और उसके अलावा मेरे को मीटिंग के अंदर जाना है। अभी मैंने ये रिक्वेस्ट अपनी जिस गाड़ी में भी अपन ने जाना, फुल शाइन मार रही है, राड़े गाड़ रही है, और गार्ड्स का हिसाब रहे मैं अभी गार्ड्स का बड़े चिल्लाने वाला था, तो जाकर चलो चेक करते हैं भाई। हॉट एयर बलून तो खड़ा है ना मेरे ख्याल से, हॉट एयर बलून से ना चले भाई, निशान से चलते हैं आज हॉट एयर बलून से। चलो गाइस फ्रेंड्स चलते हैं हॉट एयर बलून लेते हैं और उसको लेकर चलते हैं। अभी आगे गाइस अपने हॉट एयर बलून के पास में, और अभी मैं सोच रहा हूँ भाई हॉट एयर बलून में लेके बढ़िया रहेगा, क्योंकि यार बहुत पास में पड़ जाएगा ना हॉट एयर बलून से, और साथ साथ में बोर्ड के अंदर है ना सिक्योरिटी भी हो सकती है, तो इसको अपन ऊपर से चेक भी कर सकते हैं। हो गया क्या, स्टार्ट हो गया गाइस, फटाफट से इसको लेके चलते भाई, और हॉट एयर बलून से भाई बहुत चलते। सामने वाले आपको शिप दिख रही है, अब देखिए तो उसी शिप में जाना भाई। तो कैसे भी इधर आराम से मैंने लैंडिंग करा दी है, अभी इधर मैं पहुँच चुका हूँ, और एक सेकंड मेरे को शायद तक से इधर से एक फ्लोर नीचे जाना है, तो फटाफट से इधर से एक फ्लोर नीचे चलते हैं। और गाइस ये रहा गेट, गेट इधर भी नहीं, गेट किधर मिल गया भाई, हेलो भाई इधर गेट होता था, मैं इसको कॉल करता हूँ और इधर से आ ये रहा गाइस गेट मिल गया। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, फटाफट से जाकर उससे बात करके आता हूँ। तो गाइस अभी मेरे उस चैनल से बात हो चुकी है, और मेरी डील उससे ये हुई है कि मेरे को अभी ना एक गाड़ी है फोर्ड की, फोर्ड एक्सप्लोरर, तो वो मेरे को ला के इधर देनी है, और उसके बदले मेरे को मिल जाएंगे कम से कम 1 लाख रुपीज़। बहुत कम है यार ये रकम, बहुत छोटी दी है उसने मुझसे, तो
चलो कोई बात नहीं भाई, धंधा चलाना भाई अपने को। सबसे करोड़पति बनना है, तो सबसे करोड़पति भाई मैं ऐसे ही बन पाऊँगा। और पूरा अपना घर भी सामने दिख रहा है अभी, आप देख सकते हो भाई मेरा घर कितना बड़ा ही बड़ा। ये थी 50,000 हॉट एयर बलून, इधर ऑटोमेटिक आ जाता है जब भी हॉट एयर बलून गायब होता है, और सिक्योरिटी वाले को पता चल जाता है वैसे तक कि यहाँ पे कौन लेके गया है। तो इधर से पहले ही ना, क्योंकि मैं यार कभी कभार ही लेके आता हूँ, जब मैं हॉट एयर बलून लेके जाता ना तो कभी कभार ही घर के अंदर वापस आता, नहीं तो आता ही नहीं। जी घर में इधर से नीचे घूम जाऊँ, क्योंकि मेरे पास में ऐसा आर्मर है जो कि अब तो वैसे तो पुराने वाला आर्मर से काफ़ी बढ़िया आर्मर आ चुका है। मैं जैसे सीधे छलांग मारता हूँ और गाड़ी के ऊपर मार लेते हैं, एक तो तीन तो गाइस। और ये हुआ गाड़ी के ऊपर, अभी यार ये वाली गाड़ी भी मेरी बुलेट प्रूफ है, बहुत ज़्यादा मेहनत से यार इसको बुलेट प्रूफ कराया। और चल भाई गाड़ी अब स्टाइल तो देख ही सकते भाई, फोर्ड एक्सप्लोरर यार पता नहीं किधर मिलेगी। हाँ या फिर उसने कहा था जो निसान जो ये मैं अभी चला रहा हूँ ये वाली आके देते हैं, तो सोचा भाई फोर्ड को क्या ही देना भाई, इसको दे देते हैं। लोकेशन भी काफ़ी ठीक ठाक है, ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक टूटी फूटी बिल्डिंग है, उधर से मैंने थोड़ी थी कि उस टाइम पे इमरजेंसी कुछ फ्रॉड किया था, तो मैंने चेक किया उनकी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी थी पूरी। कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ और चल मेरी डाउन चल 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 कम 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 ऊपर लेना चाह रही थी यार ठहरना, किस इसको पीछे से लाते भगाते हो गए थे फिर चलाते हो। लो गाइस चढ़ गई, अब बस इधर ही मेरे को इसको खड़ी कर देना, और इसके तो मैं इससे 2 लाख रुपये आराम से। ठीक है भाई नर्सरी से मिलते हैं, बस तो भी मेरे घर पे नहीं आ गई होगी इसकी जगह पर, नहीं तो भी अभी मिल जाएगी। और अभी मैं जा ही रहा था और उससे पहले भाई मेरे पास में पेमेंट आ चुका है इस गाड़ी का, और इसने 2 की जगह 3 लाख रुपये मेरे को ट्रांसफ़र किए, क्योंकि मैं खुद आया था देने के लिए, नहीं तो मेरा डिलीवरी मैन आता रहा। मैं इधर से फटाफट से यार एक होंडा कोट्रेस मंगा था, क्योंकि वो मेरी फेवरेट गाड़ी बन चुकी है, फटाफट से मंगाते गए उसको। गाइस अभी इधर होंडा कोट्रेस भी आ चुकी है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई मालवी क्लब, जो कि क्लब है जो कि अब तुम्हारे भाई का है। अब वो मेरा हो चुका है क्लब, तो ये रखा इसमें क्लब। और ये रे मेरे दो सिक्योरिटी गार्ड इधर ऑल टाइम खड़े रहते हैं, और मेरे को भी इधर से $10,000 की वसूलियत हुई है। देखते हुए क्या हाल चल रहा है क्लब का, कई जने तो आ रहे हैं अभी नाचने के लिए फिर जोरदार में, और इधर एक गार्ड मेरा ऑल टाइम खड़ा रहता है, किधर खड़ा रहता है ये हमारे इधर के जो बाहर का मतलब मेन काम करती है, और ये पूरा है। और ये रहा मेरे ऊपर का ऑफिस, वैसे तो मैंने ऑफिस में कुछ ही नहीं करता जाके, मैं तो सीधा निकलता हूँ। मैंने तो आपको कल दिखाना था कि यार कहाँ था टॉमी और कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं, तो चलते हुए बाहर। और अभी मेरे को इधर से निकलना एक नई जगह पे, उसका तो हो गया काम, अब मेरे पास में एक और मैसेज आएगा, अभी देखते हुए कब तक आता है यार। कैसे मैं आधे रास्ते ही पार किया था, और उतने टाइम मेरे पास में कॉल आ चुका है, इधर मेरा एक बंगला है और शायद तक से उसके अंदर कोई गाड़ी भी खड़ी होगी, तो मेरे को वो जाकर देनी है उसको। मतलब पता नहीं मेरे घर की लोकेशन किसने दी और उसको एक गाड़ी पसंद आ गई जिसके अंदर है, देखते भाई अभी गाड़ी कौन सी इसके अंदर। ओके लंबोर्गिनी है तभी इसकी पसंद आई है लौटने को, लेकिन इसका प्राइस भाई ये मैंने ली थी स्पेशली जब मैं हो रहा था धीरे धीरे अमीर। तो गाइस अभी अपन ने यार ये वाली गाड़ी तो इधर खड़ी कर दी, और अभी यार इस लंबोर्गिनी को लेके भाई मैं इधर से निकलता हूँ, और इसका मैं रेट मांगने वाला भाई सिर्फ 40 लाख रुपीस, क्योंकि भाई ये मेरी गाड़ी थी भाई, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार है यार, ये देने का जी नहीं कर रहा, लेकिन भाई इसने यार ऑर्डर किए भाई, भाई मेरी वाली गाड़ी क्यों ऑर्डर की भाई, जी नहीं कर रहा उसके लिए मेरी गाड़ी देने का, देनी पड़ेगी यार। चलो तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं उसने मेरे को ओशन की लोकेशन दी, तो ओशन बीच से चलते थे आज, इसका मैं बीच टेस्ट भी कर लेता हूँ। हाँ भाई क्या लंबोर्गिनी भाई बीच में अच्छे चल सकती है, स्लिप हो रही है सर में,
स्लिप तो हो रही है, वैसे हल्की हल्की स्लिप हो तो रही है। ठीक है, ये हो चुका और ठीक चल रही है, स्लिप हो चुकी भयंकर वाली। और ये स्पीड में तभी गाइस मैं इसका टेस्ट ही कर रहा था। और भाई 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 बीच की साइड पे तो अभी देखते हो गाइस क्या ये गाड़ी भाई मस्ती से कर पाएगी, क्या ये कुछ कर पाएगी। और भाई बैठ चुके इधर, वो बात अच्छी है कि बुलेट प्रूफ है फुल्ली, तभी भाई इसके ऊपर कुछ भी डेंट वगैरह तक नहीं आएगा। और ये देखो गाइस अभी पलटा खा चुकी है, अभी सही भी हो जाएगी। और ये देखो मतलब जादू है यार, जो मेरी गाड़ी होती है ना तभी उसने ये वाली गाड़ी मंगाई है, मेरे को ये नहीं पता भाई इसने मंगाई क्यों है। और ये $40,000 की जगह इसको $50,000 में भी लेना चाहता है, ये कह रहा है भाई तुम बस कार्ड ही ला कर दे दो। अब देखते हैं भाई, तो इसकी हर स्पीड अभी आप देख ही सकते हो भाई, ठीक ठाक स्पीड है इसकी। बीच पे बीच किंग से भी मैं अभी आपको मिलाऊंगा। और भाई 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 वो किसी गाड़ी तो बस कहीं से इधर ही खड़ी करनी है, अभी वो जना इधर आके इसको ले जाएगा। तो बस गाइस मैं इधर से निकल रहा था, पता नहीं इस जने को भाई मेरे ऊपर क्या गुस्सा आ रखा है भाई, दे धड़न बजा रहा है मेरे मुंह पे, इसने दो मुक्के कैसे मार लिए हैं, तेरी बहन को नमन। ओ हड़ा मार अब लगा तो अभी तक इसको अक्कल नहीं आई। अरे मैंने इसको ख़त्म कर ही दिया भाई। और गाइस जैसे मैंने इसको ख़त्म किया ना, तो इस तरह मेरे पास में 6 स्टार की पुलिस पड़ चुकी है। ये है कौन भाई, एक सेकंड, ये इसका भतीजा लग रहा है मेरे ख्याल से। हाँ भाई तो भी ठोकने के लिए आए हैं। और कैसे एक सेकंड ऊपर से FIB का हेलीकॉप्टर आ गया भाई, एक सेकंड ना, ये ले तो कब वापस में कहा, ये ले बस भाई एक सेकंड, इस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये मेरी सारी हर जगह की दुकानें बंद कराएगा। तो मर जा कुत्ते मर जा, बस आगे चल के ना। अब यार और तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, आगे चल के पुलिस ना आके मेरा वेट कर रही हो। ये वाले कौन सी गाड़ी भाई, अरे भी एक सेकंड भाई, इधर टैंक आ चुके। और भाई साहब SPD की गाड़ी आ रही है, आर्मी की गाड़ी आ रही है, वो चलो अच्छी बात है कि गाइस मेरे पास में मशीन गन है इधर, जब पता नहीं अभी तक। ओ भाई भाई, एक धमाके मुँह पे आके इन्होंने गाड़ी खोल ली। और भाई मेरे को ना इनको ख़त्म करना पड़ेगा, और तो मैं अभी इसका कुछ ही नहीं कर सकता। आर्मी की गाड़ी आ रही है पता नहीं कहाँ कहाँ से। और एक सेकंड ना, इधर भी एक जना होना चाहिए, ये रहा खल्लास, इधर भी एक जना बैठा होना चाहिए। और एक सेकंड ना, इधर वाले मैंने ख़त्म कर दिया है। और भाई एक सेकंड, मुँह पर आ गया कहीं से, तो बहुत अच्छी बात है कि भाई अपने टॉमी के पास मेरा हैवी आर्मर है, नहीं तो भाई अभी तक मैं इसकी पुंगी बच जानी थी। फिर हेलीकॉप्टर आ गया क्या? हाँ भाई फिर से गए, इधर हेलीकॉप्टर आ चुके। और हेलीकॉप्टर से स्वाट के जने उतर रहे हैं, उतरने तब तक पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ, बाद में अनुसार को ख़त्म करूँगा। और फटाफट से भाई टूट जा यार, टूट जा मर जा पिट जा, बेफालतू में यार जोड़ हो रहा है इधर। एक सेकंड पहले मैं इनसे पूछता हूँ भाई हुआ क्या है। ओ भाई लो इसको तो किसी ने ठोके नहीं, मैं इससे पूछता हूँ भाई क्या हुआ क्या है। तो कि जब मेरी इधर बात हुई है, और इन्होंने मेरे को इस बारे में बांधना शुरू किया कि भाई मैंने इधर ना आके है ना बस एक पुलिस का ऑफिसर था उसको ठोका, बस उसी के चक्कर में मेरे को मार रहे हैं। तो ये बात सुन के भाई अभी मेरे को रीस आ चुके, और मैंने इसका खोपड़ा खोल दिया, जिधर मैंने एम्बुलेंस को कॉल भी कर दिया था। तो एम्बुलेंस आके इन सारों को बचाएगी, नहीं बेचारी ले। और कैसे इधर एक लैम्बोर्गिनी जा रही, तो भाई लैम्बोर्गिनी के बैठे बाहर निकल जा। और एक सेकंड ना, ये न्यूज़ है ना ज़्यादा फैल गई ना, तो लोगों ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेनी शुरू कर दी भाई, अद हो गई। और ये देखो भाई नाकाबंदी लगी भाई, अभी तो नाकाबंदी हटे या फिर पुलिस की गाड़ी इधर से हटे, और अंदर घुस घुस के एक दूसरे के जा रहे हैं। चलो अपने तो चलते हैं अपने क्या फटाफट देखते भाई
अभी तो यार अगर इधर अपने ये रखा हुआ है, पाथ लगा हुआ है और इतना जगह मतलब सिक्योरिटी दे देना था रखी है, तो पता नहीं बाहर की तरफ ये देखो हर जगह पे पुलिस की गाड़ियाँ होंगी अभी। और अब लोगों के अंदर खौफ बैठेगा मेरा, क्योंकि मैंने इधर एक बहुत बड़े पुलिस के ऑफिसर को मारा है, अरे मेरे को इधर जाकर पुलिस स्टेशन में जाना, क्योंकि उन्होंने मेरे को कहा था कि भाई आप ऐसा करो, अब एक बार पुलिस स्टेशन जाके ना पैसे वगैरह के लाओ, तभी जाके आपको छोड़ेंगे, नहीं तो भाई नहीं छोड़ेंगे। और अभी यार प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी होने वाले हैं हल्के फुल्के, तो भाई उसका भी देखना पड़ेगा। ओके तो फटाफट से पुलिस स्टेशन से उधर चल के बातचीत करते हैं। अगर जब मैं पुलिस स्टेशन पर बातचीत करके ही आ रहा था, और इतने टाइम मेरे को बताया उन्होंने कि हाँ भाई तुम्हें $1,000,000 भुगतान करना पड़ेगा, तो मैं करके आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, गरीब होंगे पुलिस वाले भी कहाँ चुप रहते इधर के लिए, तो इनके 1,000,000 रुपीज़ दिए और चुप करा दिया भाई। अब ये मेरे पीछे कभी नहीं पड़ेंगे, हाँ तब पड़ेंगे जब मैं इनका कोई एक जना मार दूँगा, तो ऐसे नहीं पड़ेंगे। और एक सेकंड बस ये आ गए अपन अपने घर पे आ चुके हैं, और अभी बस मेरी इधर से एक डील होने वाली है यार, मेरी ये वाली जो लैम्बोर्गिनी ने मैंने इसकी पोस्ट डाली थी, तो इसको लेना भाई जना $10,000 में, सेकेंड हैंड हो गया यार अभी ये, तो इसको बस इधर मेरे को इसको इधर ही खड़ी करनी है, ये हॉस्पिटल है और ये लगा था मैंने इस गाड़ी को। और अभी है ना मैं इधर से फटाफट से गाड़ी मंगा लेता हूँ या फिर गाइस रोल्स रॉयल मंगाते हैं, फटाफट से कॉल करते हैं। गाइस अभी इधर मैंने अभी मंगा ली शैली GT 500D, क्योंकि यार रोल्स रॉयल अभी मेरे को बाहर से मंगानी पड़ी है यार, मेरे पास रोल्स रॉयल का स्टैग ही खत्म हो गया जो मैंने अपने लिए रखना है, बाकी जो पब्लिसिटी के लिए रखी है वो अलग से पड़ी। तो मैं सोच रहा हूँ भाई आज से ना दूसरे वाले घर पर चलते हैं, अपना जो स्टार्टिंग में मेंशन के बजाय सेकंड मेंशन था जो अपना स्टार्टिंग का उधर चलते हैं, बाकी मेरे पास में जितने भी मेंशन मैं खोल सकता हूँ ना मेरे पास सारे अभी अनलॉक हैं, कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है जो मेरे पास में ना अनलॉक हो। और अभी दस मिनट लेफ्ट और इधर ही जाके भाई मेरा अड्डा, ठीक ठाक अमीर बन गया यार अपन। और उसके अभी तक भाई मेरे पास में पैसे नहीं आए, ठहर मैं उसको इधर खड़ी होगी कॉल कर देता हूँ। और भाई इसमें जैसे ही ने कॉल करने लगा ना, तो उसने मेरे को इधर बताया मैसेज कर दिया उसने मेरे को कि मैं तुम्हें $20,000 दे रहा हूँ, तो उसने मैं $20,000 दी लैम्बोर्गिनी की बजाय। और देख सकते हो अभी आपने मेरे पैसे भी बढ़े थे, ऐसे इतना ट्रैफिक लगा रखा नहीं मैंने। तो भाई जीरा ये वाला अपार्टमेंट यार किसको याद नहीं होगा भाई। चलो बंद हो जाओ और बता मेरे अपार्टमेंट। तो भाई आज के लिए इस वाली वीडियो को करते हैं इधर गेन, मिलते हैं नेक्स्ट डे वीडियो में, आज के लिए इतने बाय बाय टाटा टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट डे के एपिसोड में, बाय बाय।